नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, PM विश्वकर्मा योजना। तो दोस्तों, हम PM विश्वकर्मा योजना से जुड़े हर अपडेट से अवगत होते जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता था, 10 फरवरी को लास्ट डेट थी सत्यापन कार्य की सरपंच महोदय के लॉगिन आईडी से, लेकिन अभी भी 1 लाख से ऊपर आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं, लंबित पड़े हुए हैं। तो अब हमें क्या कार्य करना है, किस तरह से जल्दी से जल्दी सारे फॉर्म की प्रोसेस करना है, और भी अधिक जागरूकता के लिए क्या कार्य करना है, तो उसके संबंध में आज का वीडियो है। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको PM विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट तो पता ही है, pmvishwakarma.gov.in। ठीक है, तो हम सारे कार्य इसी से कर रहे हैं, वेरिफिकेशन भी इसी से कर रहे हैं। तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश आया है दोस्तों, तो वो ध्यान से देख लेते हैं हम। तो पंचायत राज संचालन मध्य प्रदेश से आदेश निकाला जा चुका है, क्रमांक यहाँ देख सकते हैं आप, भोपाल दिनांक 14/2/2024, आज के दिन 14 फरवरी 2024 को ही निकला है। प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश, CEO जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO जनपद पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यह है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन को ग्राम पंचायत द्वारा सत्यापन कराए जाने बाबत। ठीक है, संदर्भ दिया हुआ है पंचायत राज संचालन का पत्र क्रमांक 18/12/2023 का, 18/1/2024 का और 29/1/2024 का। विषयांतर्गत लेख है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र शासन की सेंट्रल गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। संदर्भित पत्र द्वारा दिनांक 10/2/2024 तक ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 1.09 लाख आवेदन निराकरण हेतु ग्राम पंचायतों के आईडी पर अभी भी लंबित हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाए। ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित करें जहां आवेदन निरंक है, मतलब कुछ भी नहीं है या अत्यंत कम है। सबसे पहले तो ऐसी ग्राम पंचायतों को चिन्हित करना है जहां आवेदन निरंक है, कुछ भी आवेदन नहीं है या फिर अत्यंत कम आवेदन है। फिर दूसरा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें। ग्राम पंचायत सरपंच की लॉगिन आईडी से ग्राम पंचायत में प्राप्त समस्त आवेदन के सत्यापन की कार्रवाई नियमित रूप से की जावे। नियमित रूप से जो है सरपंच की लॉगिन आईडी से ग्राम पंचायत में प्राप्त समस्त आवेदन के सत्यापन की कार्रवाई की जाए। सभी सरपंच की लॉगिन आईडी क्रियाशील मतलब एक्टिव रहना चाहिए एवं पासवर्ड को नोट करके रखना चाहिए। पोर्टल पर पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन क्योंकि नहीं है, ठीक है, इसलिए यूजर नेम पासवर्ड याद रखना ही होगा। योजना का प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण गतिविधि संपादित कर नियमित समीक्षा करें, जिससे कि जागरूकता फैल सके और अधिक से अधिक जो है PM विश्वकर्मा योजना में जो है लोग जो पात्र लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। डॉक्टर केदार सिंह जी संचालक महोदय पंचायत राज संचालय मधुरे से आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी प्रत्येक विभाग में दी जा चुकी है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश दोस्तों। अब और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अधिक से अधिक आवेदन कराने हैं पात्र व्यक्तियों के, और उनका सत्यापन कार्य भी सरपंच महोदय के लॉगिन से करना है। ठीक है, तो इसी तरह हर छोटी से बड़ी जानकारी से अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जुड़ रहिए। आपको पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।